नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके क्यूज बकर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे 15 जून 2019 से करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जिन्होंने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। या आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स एमपी पुलिस हो या एमपी से रिलेटेड भी कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स जिस एग्ज़ाम में भी आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो अंत तक देखें, अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कि कौन सी कंपनी टेक बी नामक पहल शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों वो कंपनी का नाम है HCL, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, HCL कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी की पहल टेक बी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके तहत वह कई राज्यों में 12वीं कक्षा पास कर चुके छात्रों को प्रशिक्षित करेगा और उनके तहत नौकरी देगा, ठीक है। अब तक लगभग 700 छात्र कंपनी में कर्मचारी बन चुके हैं, जबकि उनमें से कुछ कंपनी पहल के तहत कुछ अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वेंचर कैपिटलिस्ट मेरी मिकर द्वारा इंटरनेट के रुझानों पर एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इंटरनेट के वैश्विक उपयोगकर्ताओं में अपना स्थान बरकरार रखा। तो दोस्तों वो है दूसरा स्थान बरकरार रखा है, ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की आधी से अधिक आबादी इंटरनेट पर सक्रिय है, जिसमें भारत लगभग 12% के योगदान के साथ अपना दूसरा स्थान बरकरार रखे हुए है। यह वेंचर कैपिटलिस्ट मेरी मेकर द्वारा इंटरनेट के रुझानों पर साझा वार्षिक रिपोर्ट से सामने आया है। चीन विश्व स्तर पर 21% के साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में है, और अमेरिका 8% से तीसरे स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है इंडिया 12% से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर चाइना 21%, दूसरे नंबर पर भारत 12%, और तीसरे नंबर पर है अमेरिका 8%, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केंद्रीय मंत्रियों को अपनी विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया, निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार के प्राप्त करता है। दोस्तों वो हैं निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आपके ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम जयशंकर को अपने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया। विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता होंगे। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है और सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ दिसंबर 2019 में किसको यूनिसेफ स्नोफ्लेक बॉल इवेंट में डेनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित करेगा। दोस्तों वो है प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ दिसंबर 2019 में प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ स्नोफ्लेक बॉल इवेंट में डेनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित करेगा। यह कार्यक्रम 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा 3 दिसंबर को। प्रियंका बाल अधिकारियों के लिए वैश्विक यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं। यह पर्यावरण स्वास्थ्य और शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों जैसे विभिन्न कारणों को बढ़ावा देती है, और विशेष रूप से लैंगिक समानता और नारीवाद के बारे में मुखर है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस देश के दूतावास ने भारतीय बच्चों को उस देश में वर्तमान में अध्ययन करने, व्यापक और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों वो क्या है, अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका दूतावास ने अपने 5वें वार्षिक स्टूडेंट वीज़ा डे का आयोजन किया, और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन है एजुकेशन यूएसए इंडिया का शुभारंभ किया। यह भारतीय छात्रों को वर्तमान में अमेरिकी अध्ययन के बारे में व्यापक और सटीक जानकारी प्रदान करेगा। इसे दूतावास ने यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया था। ऐप की प्रमुख विशेषता दोस्तों है आंसर बॉट है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2019 में पांडिचेरी में राधा मणि का निधन हो गया है।
वह कौन थे? दोस्तों वो थे राजनेता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जून 2019 में पुडुचेरी में तमिलनाडु के DMK विधायक राधामणि का निधन हो गया है। वे विकास कुंडी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने अविवाहित रहकर अपना पूरा समय राजनीति को दिया, ठीक है, इसलिए इनका नाम भी आप याद रखिएगा और ये राजनेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सुरक्षित रक्त तथा रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 2000 इसका जो सब्जेक्ट था 2019 में, वो आप याद रखिएगा, इसका सब्जेक्ट जो था वो था सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के घटक के रूप में सुरक्षित रक्त संचार हेतु रक्तदान और सार्वभौमिक पहुँच। और इसका जो स्लोगन था दोस्तों, वो स्लोगन था, वो याद रखिएगा, सेफ ब्लड फॉर ऑल। सेफ ब्लड फॉर ऑल इसका जो था वो स्लोगन था, तो इसे आप याद रखिएगा। इनको को भी अपनाया गया है, ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने मई कहाँ पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना को मंजूरी दी? केंद्र ने किस जगह में ई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स यानी कि EFT की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दी है असम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रस्तावित एकीकृत ई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स IT प्रणाली को विदेशी अधिकरण में पंजीकृत मामलों की प्रभावी निगरानी तथा समाधान हेतु पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों के डेटा एकत्रित करने हेतु राज्यव्यापी बायोमेट्रिक और बायोग्राफी डेटा को अनुरक्षित रखना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में लिंग चोंग वेंग ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित? दोस्तों वो खेल से संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने 69 विश्व खिताबों के साथ 19 साल का एक शानदार बैडमिंटन करियर रहा है। वो विश्व नंबर एक के स्थान पर कुल 348 विक्स रहे और 3 बार के ओलंपिक रजत विजेता भी हैं ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश ने जून 2019 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के साथ महानिदेशक स्तर की वार्ता कहाँ आयोजित की? दोस्तों ये की ढाका में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों द्वारा प्रति माह कितने रुपए का योगदान करना होगा? दोस्तों वो करना पड़ेगा आपको 100 रुपये का किसान को योगदान करना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 100 रुपये का अंशदान करना होगा। इस योजना के तहत 60 वर्षों की कम उम्र के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार यानी कि 7 वर्षों की उम्र के बाद आपको की जाएगी 3000 रुपये की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन, ठीक है। केंद्र सरकार भी LIC द्वारा प्रबंधित पेंशन निधि में समान राशि का अंशदान करेगी जो पेंशन के भुगतान हेतु जिम्मेदार होगा, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात वायु के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है। खतरे के उच्चतम स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी जारी की यानी कि कौन सी चेतावनी जारी की जाती है? दोस्तों वो की जाती है लाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चक्रवात वायु के उत्तर पश्चिम की ओर ये की ओर अपना रास्ता बदलने की वजह से गुजरात में बड़ी तबाही होने से बच गई है, लेकिन तीव्र हवाएं, धूल भरी आंधी और बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात वायु के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है। पीली चेतावनी मध्यम खतरे का संकेत देती है, इसके बाद नारंगी चेतावनी दी जाती है जिसका मतलब उच्चतम स्तर का खतरा होता है, और लाल चेतावनी मतलब खतरे का अधिकतम स्तर होता है। इसलिए ये खतरे का उच्चतम स्तर के लिए लाल और उससे कम के लिए नारंगी और सबसे उससे भी कम के लिए पीली चेतावनी यानी मध्यम खतरे का संकेत देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जून 2019 में अस्तित्व द एजेंस ऑफ द प्रभाकर वर्वे नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों ये किया नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये नई दिल्ली में किया 13 जून 2019 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया इसका उद्घाटन। यह नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो चार अलग अलग चरणों में कलाकृति पेश करेगा। ये चार खंड में करेगा दोस्तों, ये चार खंड आप याद रखिएगा। एक है रूपतंत्र, दूसरा है रूपअर्थ, तीसरा है रूप तत्व और चौथा है रूप विचार, ठीक है। ये चार खंड में ये कलाकृति पेश करेगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।